क्या खास बातें हैं स्काइज पिंक के पहले पोस्टर में? क्या प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से अपने पैर जमा पाएंगी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीक्रॉड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा की काफी समय से चर्चा में चल रही फिल्म स्काई इज पिंक का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है। इस पोस्टर के साथ साथ फिल्म के ट्रेलर रिलीज की तारीख भी ऐलान कर दी गई है। बता दें कि फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर कल यानी कि 10 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा। इस पोस्टर की बात करें तो इसमें प्रियंका और फरहान के अलावा जायरा वसीम और रोहित सराफ नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में आपको दिखेगा कि प्रियंका चोपड़ा को फरहान अख्तर ने अपने कंधे पर उठा रखा है और वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी के दोनों कलाकार भी उनके साथ साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है क्योंकि प्रियंका चोपड़ा काफी समय के बाद वापसी कर रही है। इस फिल्म का निर्देशन किया है सोनाली बोस ने। ये फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज कर दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर ने शूटिंग सेट से कई बार अपनी और प्रियंका की तस्वीरें शेयर की हैं। इस फिल्म से दोनों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के लिए सबसे बड़ा कमबैक है, या कहें तो ये किसी कमबैक से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका चोपड़ा फिर से बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेर पाएंगी? क्या फिर से वो अपना रुतबा कायम कर पाएंगे? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? और साथ साथ हमें ये भी बताएं कि इस फिल्म का पोस्टर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीक्रॉड स्टूडियोज़।